डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को नाइन ए और इसमें हमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़ अब इंक्रीज और डिक्रीज ये आप लोअर क्लासेज में सिक्स और सेवन्थ में सीख के आए हैं ये होता क्या है किस केस में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे लास्ट ईयर आपने कोई भी नोटबुक उसको परचेज किया है वो है रुपीज़ ट्वेंटी में और इस साल आपने उसी सेम नोटबुक को अगर परचेज़ किया हो रुपीज़ थर्टी में तो आप इजीली बता सकते हो कितना इनक्रीज़ हुआ है टेन रुपीज़ कि अब इस साल जो उसकी नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी इनक्रीज़ होगी है टेन रुपीज़ तो ये इनक्रीज़ है अब हमें इंक्रीज़ परसेंट हमें बताना है परसेंट इनक्रीज़ इसमें होगा क्या तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है इंक्रीज इन अमाउंट वो क्या होता है जो इस केस में जो इंक्रीज इन अमाउंट है वो है टेन डिवाइड by ओरिजिनल अमाउंट ओरिजिनल क्या था ट्वेंटी इंक्रीज कितना हुआ है टेन और ओरिजिनल क्या है ट्वेंटी मल्टीप्लाई हंड्रेड ये है परसेंटेज इंक्रीज और सेम केस होगा जब परसेंटेज डिक्रीज अब इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्वेंटी से कैंसिल आउट तो यहाँ फाइव आएगा और कितना इंक्रीज हुआ है ये फिफ्टी परसेंट तो ये इस केस में ये आंसर है अब यही अगर इसका रिवर्स हो पहले नोटबुक रुपीज़ थर्टी में आए और इस साल आप उसी नोटबुक को ट्वेंटी रुपीज़ में परचेज़ करते हो तो इस केस में अब आप इजीली बता सकते हो कितना डिक्रीज हुआ है टेन रुपीज़ का ये डिक्रीज़ है तो इस केस में जो परसेंटेज डिक्रीज़ होगी वो किसके इक्वल डिक्रीज़ इन अमाउंट अमाउंट क्या था टेन ये डिक्रीज़ हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इस केस में ओरिजिनल अमाउंट क्या है थर्टी तो हम डिवाइड में क्या लिखेंगे थर्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट अब ये कैंसिल आउट करते हैं हंड्रेड बाय थ्री ये भी आंसर सही है और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट ये भी आंसर सही है तो मेरा जो मेन मीनिंग था आपको समझाने का परसेंट इंक्रीज़ और परसेंट डिक्रीज जो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन अब फर्स्ट पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है लास्ट ईयर द बस फेयर वाज रुपीज फिफ्टी दिस ईयर इट इज रुपीज सिक्सटी हमें फाइंड आउट करना है परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज वो केस हम देखते हैं ये इंक्रीज का या डिक्रीज का लास्ट ईयर जो बस का फेयर था वो था रुपीज फिफ्टी और इस साल जो फेयर है वो है सिक्सटी पहले फिफ्टी था अब सिक्सटी है तो अब फिफ्टी से सिक्सटी ये किस केस में आएगा इनक्रीज़ के केस में तो यही अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था नोटबुक का जब इंक्रीज़ का केस हो उस केस में हम परसेंटेज इंक्रीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं अब इस क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट बना के करने पड़ेंगे तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे बस फेयर इन लास्ट ईयर इक्वल टू रुपीज़ फिफ्टी बस फेयर इन दिस ईयर इक्वल टू रुपीज सिक्सटी अब जो इंक्रीज इन फेयर है वो क्या होगा सिक्सटी माइनस फिफ्टी यानी कितना इंक्रीज हुआ है वो टेन रुपीज अब परसेंटेज इंक्रीज हमें कैसे फाइंड आउट करनी है इंक्रीज इन अमाउंट इंक्रीज कितना हुआ है टेन डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट अब इन दोनों में ओरिजिनल कौन सा है ये देखिए स्टेटमेंट में क्या गिवन है लास्ट ईयर बस फेयर वॉज रुपीज फिफ्टी लास्ट ईयर में जहाँ हमने शुरुआत कहाँ से की है फिफ्टी से तो ओरिजिनल अमाउंट हमारा क्या होगा फिफ्टी टेन बाय फिफ्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट तो ये फॉर्मूला है इसका फिफ्टी से कैंसिल आउट करते हैं यहाँ टू आएगा टू को ट्वेंटी टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी और साथ में क्या आएगा परसेंट तो जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में वो कितना हुआ है ट्वेंटी परसेंट अब इसका बी पार्ट बी पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है वो है फाइव ईयर्स बैक द टेलीफोन चार्जेस पर मिनट वर रुपीज़ टू एंड नाउ दे आर रुपीज़ वन पॉइंट फाइव पर मिनट अब हमें इस केस में पहले फाइंड आउट कर रहे है कि ये इंक्रीज का केस है या डिक्रीज़ का केस है फाइव ईयर बैक्स यानी कि जो इनिशियल है हमारा ओरिजिनल जहाँ से शुरू किया है वो रुपीज़ टू से और एट प्रजेंट जो है वो है वन पॉइंट फाइव तो अब टू से वन पॉइंट फाइव केस क्या होगा कम हो रहा है तो इस केस में क्या आ जाएगा डिक्रीज तो फर्स्ट केस हमने किया था इंक्रीज का और सेकेंड केस अब हम कर रहे हैं डिक्रीज का तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो है इसका ये बी पार्ट इसमें स्टेटमेंट क्या बनेगी जो ओल्ड टेलीफोन चार्जेस हैं वो है रुपीज टू और न्यू टेलीफोन चार्जेस हैं है रुपीज वन पॉइंट फाइव अब डिक्रीज इन चार्जेस इंक्रीज तो नहीं आएगा क्या आएगा इसमें डिक्रीज वो क्यों क्योंकि पहले टू था अब उससे कम हो गया है तो हम क्या करेंगे ये माइनस कराएंगे टू माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो है हमारा डिक्रीज इन चार्जेस अब परसेंटेज डिक्रीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या है डिक्रीज इन अमाउंट वो है ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट वो कितना है टू मल्टीप्लाई हंड्रेड अब इसको हम सॉल्व करते हैं पहले जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा फिफ्टी बाय हंड्रेड और डिवाइड में क्या है टू मल्टीप्लाई है हंड्रेड तो ये कैंसल आउट टू से कैंसल आउट जब इसको करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव और ये आंसर हमारा किस में आएगा परसेंटेज में तो ये जो डिक्रीज़ आया है परसेंटेज में वो कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ये है इसके बी पार्ट का आंसर अब जो इसके रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के वो सारे सेम है किसी में इंक्रीज है किन्हीं क्वेश्चन में डिक्रीज है मेथड मैंने आपको समझा दिया है आप इन्हीं तरीके से इनको सॉल्व करोगे जैसे इसका सी पार्ट है पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन दिस सेंचुरी नाउ इज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव ईयर बैक्स देयर वर सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टाइगर्स अब हमें पहले ये देखना है इनिशियल क्या है फाइव ईयर बैक्स पहले कितने थे ये अब कितने हैं वो ये पहले सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थे और अब वो कितने हैं फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये ज़्यादा है इससे तो क्या हो जाएगा ये डिक्रीज तो डिक्रीज का केस मैंने अभी आपको समझाया है बी पार्ट में वैसे ही स्टेटमेंट आप लगाओगे और उससे ये सोलो हो जाएगा इसी अब इसका डी पार्ट डी पार्ट में क्या है कॉस्ट ऑफ वन लीटर मिल्क वॉज डिक्लेयर्ड रुपीज़ फोर्टी सिक्स अर्लीयर इट वॉज रुपीज़ फोर्टी पहले कितना था फोर्टी अब कितना है फोर्टी सिक्स है तो इस केस में क्या हो जाएगा फोर्टी से फोर्टी सिक्स ये है इंक्रीज तो इंक्रीज का केस कैसे हो जाएगा सेम जो है ए पार्ट तो ऐसे ही जो ये पार्ट्स हैं इनमें सिर्फ दो ही केस बनेंगे इंक्रीज का या डिक्रीज का वो मेथड मैंने आपको समझा दिया है आप इनको सॉल्व करोगे अब सेकंड क्वेश्चन ड्यूरिंग द लास्ट फाइव ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन दैट है ट्वेल्व लाख पीपल्स इंक्रीज बाय फिफ्टीन परसेंट वट इज़ द प्रजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि जो पॉपुलेशन थी टाउन की वो थी ट्वेल्व लाख और फाइव ईयर्स में वो कितनी इंक्रीज़ हुई है फिफ्टीन परसेंट ये फिफ्टीन परसेंट जो इंक्रीज़ हुआ है वो किसका ट्वेल्व लैख का हमें ये बताना है कि प्रजेंट पॉपुलेशन क्या होगी टाउन की तो स्टेटमेंट को हम शुरू कहाँ से करेंगे जो पॉपुलेशन है टाउन की वो कितनी गिवन है ट्वेल्व लैख और इंक्रीज़ कितना आया है फिफ्टीन परसेंट हमें प्रजेंट पॉपुलेशन बतानी है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वो ट्वेल्व लैख से तो ज़्यादा होगी वो कितनी होगी हम इस ट्वेल्व लैख में क्या ऐड करेंगे फिफ्टीन परसेंट ऑफ ट्वेल्व लैख ये इसका मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में उसका रीजन क्या है क्योंकि ये जो इंक्रीज़ आया है वो किस पे इंक्रीज है ट्वेल्व लैख ,00 पे तो वो एड भी किस में होगा ट्वेल्व लैख ,00 में तो ये इसका मीनिंग है स्टेटमेंट का तो अब इसका सोल्यूशन पॉपुलेशन ऑफ टाउन वो गिवन है ट्वेल्व लैख ,00 और जो पॉपुलेशन में इंक्रीज है वो है फिफ्टीन परसेंट देर फोर फिफ्टीन परसेंट ऑफ ट्वेल्व लैख ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट में हमें कंडीशन 12 लाख पे ही गिवन है कि उसमें कितना इंक्रीज आया है 15% का तो इसका 15% हम फाइंड आउट करेंगे और ऐड हम किस में करेंगे 12 लाख में तो अब इसको करते हैं फाइंड आउट 15 बाय 100 मल्टीप्लाई 12 लाख अब ये कैंसल आउट तो तो इनकी जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है वन लैख एटी थाउजेंड अब ये है फिफ्टीन परसेंट है ट्वेल्व लैख ,00 का देयरफॉर फोर जो टोटल पॉपुलेशन है टाउन की टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन वो किसके इक्वल होगी ट्वेल्व लैख प्लस वन लैख एटी थाउजेंड तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे थर्टीन लैख एटी थाउजेंड ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का अब थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है शी वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड अ पिज्जा व्हेन ही शो द बिल ही वाज सरप्राइज टू नोटिस दैट इट वाज रुपीज थ्री थर्टी विच वॉज़ टेन परसेंट मोर देन बिल ही गोट लास्ट टाइम वट वॉज द प्राइज़ ऑफ सेम पिज़्ज़ा वैन ही केम लास्ट टाइम अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है जो उसने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा उसका जो बिल आया है वो है रुपीज़ थ्री थर्टी ये टेन परसेंट ज़्यादा है लास्ट टाइम के बिल से तो लास्ट टाइम का बिल हमें फाइंड आउट करना है तो उसको ही हम सपोज कर लेंगे अन नोन नंबर एक्स कि वो है एक्स और उसमें इंक्रीज़ कितना आया है टेन परसेंट जब हम x में टेन परसेंट ऑफ x ऐड करेंगे तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा थ्री थर्टी ये इसका मीनिंग है स्टेटमेंट का ये थ्री थर्टी क्यों आया क्योंकि ये ऐड किस में हुआ है लास्ट टाइम के जो पिज़्ज़ा बिल है उसमें टेन परसेंट हम ऐड करेंगे उस बिल का तो आंसर क्या है थ्री थर्टी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही हमें इसमें सॉल्व करना है और फाइंड आउट हम क्या करेंगे लास्ट टाइम के बिल को तो इस पर यही हमें फाइंड आउट करना था उसको हमने अननोन नंबर सपोज किया है एक्स लेट प्राइज ऑफ पिज्ज़ा इन लास्ट टाइम इक्वल टू रुपीज एक्स अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या गिवन है ये जो बिल था लास्ट टाइम का इसमें इंक्रीज आया है टेन परसेंट देर फोर जो स्टेटमेंट इसकी बनेगी एक्स प्लस टेन परसेंट ऑफ एक्स इक्वल टू जो उसने बिल पे किया है वो बिल क्या पे किया है थ्री थर्टी तो अब हमें इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है एक्स प्लस टेन परसेंट ऑफ एक्स इसको हम क्या राइट कर सकते हैं टेन बाय हंड्रेड इन टू एक्स इक्वल टू थ्री थर्टी अब एक्स प्लस टेन एक्स बाय हंड्रेड इक्वल टू थ्री थर्टी तो अब एलसीएम को सॉल्व करते हैं यहां हंड्रेड जब इस यहां पर एल्शियम को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हंड्रेड एक्स प्लस यहां हंड्रेड से हंड्रेड कैंसल आउट तो आंसर वन तो नोमिनेटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन एक्स इक्वल टू थ्री थर्टी तो अब हम इनको ऐड करते हैं हंड्रेड एक्स प्लस टेन एक्स वन हंड्रेड टेन एक्स डिवाइड by हंड्रेड इक्वल टू थ्री थर्टी अब क्रॉस मल्टीप्लाई वन हंड्रेड टेन एक्स इक्वल टू थ्री थर्टी हंड्रेड इस हंड्रेड की मल्टीप्लाई किससे होगी थ्री थर्टी से अब एक्स के साथ में ये नंबर मल्टीप्लाई में है वन हंड्रेड टेन जब हम इसको राइट right साइड में लिखेंगे तो ये किस में लिखा जाएगा डिवाइड में देर फॉर एक्स इक्वल टू थ्री थर्टी इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई 110 अब 110 से जब इसको कैंसिल आउट करते हैं 330 को तो आंसर क्या आएगा 3 थ्री इन टू हंड्रेड इक्वल टू थ्री देर फोर जो प्राइस है पिज्जा का लास्ट टाइम वो हमने जो क्या सपोज किया था एक्स तो उसका जो आंसर आया है वो क्या आया है थ्री हंड्रेड तो ये फाइनल आंसर है थर्ड क्वेश्चन का तो आप फोर्थ क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे ये सेम है जैसे अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया है सेम स्टेटमेंट आपको फॉलो करनी है उसका यूज़ करके आपको फोर्थ क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है अपने आप सोल्व करोगे आप फोर्थ क्वेश्चन को इसका हिंट मैं आपको देता हूँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इनक्रीज है क्रॉप में वो है ट्वेंटी फाइव परसेंट लास्ट ईयर और इफ़ दिस ईयर क्रॉप वाज नाइन्टी थाउजेंड किलोग्राम वट वॉज दी अमाउंट ऑफ़ एप्पल ही हैड लास्ट ईयर लास्ट ईयर जैसे ये लास्ट ईयर का जो पिज़ा बिल था हमने एक्सपोज़ किया था तो इसमें भी हम जो अमाउंट है एप्पल्स का उसको एक्स किलोग्राम्स पोज करेंगे और जो इंक्रीज है परसेंटेज में वो कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एक्स इक्वल टू नाइन्टी थाउजेंड ये स्टेटमेंट इसमें बनेगी और उसमें आप एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ कंप्यूटर कॉस्ट रुपीज़ थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन द लास्ट सिक्स मंथ्स द प्राइस हैड कम डाउन बाय ट्वेल्व परसेंट वट वॉज दी प्राइज ऑफ द कंप्यूटर सिक्स मंथ्स बैक अब हमें कंप्यूटर की कॉस्ट ये गिवन है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और सिक्स मंथ्स में जो इसमें प्राइस में डिक्रीज़ आया है वो कितना आया है ट्वेल्व परसेंट का हमें ये बताना है कि पहले कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी थी मीनिंग क्या है ये अब की कॉस्ट गिवन है कंप्यूटर की और हमें इसकी इनिशियल यानी कि जो पहली इसकी कॉस्ट थी उसको हमें फाइंड आउट करना है अभी पहले कंप्यूटर कितने रुपए का था और उसमें डिक्रीज़ आने के बाद ट्वेल्व परसेंट का डिक्रीज़ आने के बाद वो इतने रुपए में अब मिलता है जो कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इसमें हम क्या सपोज करेंगे पहले हम सपोज करेंगे जो सिक्स मंथ बैक जो कंप्यूटर का प्राइस था ये हमें इसमें सपोज करना है और डिक्रीज परसेंट क्या गिवन है ट्वेल्व परसेंट तो आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सिक्स मंथ हम सपोज क्या करेंगे लेट सिक्स मंथ्स बैक प्राइस ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू रुपीज़ एक्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्स इक्वल टू जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था कंप्यूटर का प्राइस कि अब वो कितने का है वो है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब हमें एक्चुअल उसका प्राइस बताना है कंप्यूटर का तो इसको सॉल्व करते हैं एक्स माइनस ट्वेल्व बाई हंड्रेड इंटू एक्स इक्वल टू थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स बाय हंड्रेड एक्स इक्वल टू थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इस एलसीएम को हम सॉल्व करेंगे तो अब हंड्रेड एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो एट्टी एट एक्स डिवाइड बाई हंड्रेड इक्वल टू थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इसको हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो वो थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किससे मल्टीप्लाई होगा हंड्रेड से देर फोर एटी एट एक्स इक्वल टू तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से हंड्रेड को तो ऐटी एट मल्टीप्लाई में है लेफ़्ट साइड में तो राइट right में हम इसको डिवाइड में लिखेंगे सो एक्स इक्ल टू अब हम इसको डिवाइड में लिखते हैं राइट right साइड में एटी एट को तो अब एटी एट से जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से तो ये फोर्टी फाइव थाउजेंड बनेगा और एक्स को हमने सपोज किया था रुपीज में और ये क्या है सिक्स मंथ्स बैक प्राइस ऑफ कंप्यूटर तो देर फोर जो उसका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड तो ये फाइनल आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का अब सिक्स क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे ये बड़ा इजी क्वेश्चन है इसमें रिडक्शन यानी कि डिक्रीज परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है तो ये जैसे क्वेश्चन वन में मैंने आपको समझाया था इंक्रीज और डिक्रीज का केस उसका यूज़ करके आप सिक्स क्वेश्चन को ट्राई करोगे अब इसका सेवंथ क्वेश्चन है रंजन गॉट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन फर्स्ट पेपर एंड सेवेंटी परसेंट इन द सेकेंड पेपर हाउ मच परसेंट शुड ही गेट इन थर्ड पेपर सो एज़ टू गेट सिक्सटी परसेंट एज ओवरऑल स्कोर अब जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो है थ्री जब भी हमें थ्री नंबर गिवन हो और हमें एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे उन तीनों नंबर को ऐड करके डिवाइड किससे कराएंगे थ्री से जब हमें सपोज करो दो नंबर गिवन है और हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है उनकी तो उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कराएंगे टू से और थ्री नंबर गिवन है तो डिवाइड कराएंगे हम थ्री से एवरेज के, के केस में तो इस क्वेश्चन में हमें जो थ्री पेपर्स हैं उनमें फर्स्ट पेपर की जो परसेंटेज गिवन है वो है फोर्टी फाइव परसेंट सेकेंड पेपर की परसेंटेज है वो है सेवेंटी परसेंट लास्ट पेपर की परसेंटेज को हमें फाइंड आउट करना है थर्ड पेपर की तो उसको हम सपोज करते हैं एक्स परसेंट और उनकी जो एवरेज है यानी कि इन तीनों का सम डिवाइड बाय थ्री वो किसके इक्वल है सिक्सटी परसेंट के तो ये मीनिंग है इस स्टेटमेंट का तो आप स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन सोल्यूशन में जो मार्क्स ऑबटेंड है फर्स्ट पेपर में वो क्या है फोर्टी फाइव परसेंट सेकेंड पेपर में सेवेंटी परसेंट और थर्ड में हमने स्पोज किए हैं लेट जो मार्क्स ऑबटेंड इन थर्ड पेपर है वो है एक्स परसेंट अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनमें ओवरऑल कितने बने हैं सिक्सटी परसेंट बने हैं तो ओवरऑल के लिए हम क्या करेंगे तीनों को ऐड और डिवाइड बाय थ्री ये परसेंटेज आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट लिख सकते हो फोर्टी फाइव प्लस सेवेंटी प्लस एक्स डिवाइड बाय थ्री इक्वल टू सिक्सटी लास्ट में जो आंसर आ जाएगा वो परसेंट में आएगा तो इसके बाद इन दोनों को हम ऐड करते हैं वन हंड्रेड फिफ्टीन प्लस एक्स बाय थ्री इक्वल टू सिक्सटी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में थ्री को किससे मल्टीप्लाई कराओगे सिक्सटी से वन हंड्रेड फिफ्टीन प्लस एक्स इक्वल टू थ्री इंटू सिक्सटी तो ये क्या आ जाएगा 180। अब 115 हंड्रेड फिफ्टीन प्लस एक्स इक्वल टू वन तो यहां से हमें x के लिए स्टेटमेंट को सॉल्व करना है देर फॉर एक्स इक्वल टू वन एटी माइनस वन अब 180 में से 115 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 65। और ये आंसर किस में आएगा परसेंटेज में क्योंकि थर्ड पेपर को हमने क्या सपोज किया था एक्स परसेंट तो ये फाइनल आंसर है सेवंथ क्वेश्चन का और अब इसमें लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो गिवन है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज व्हेन इंक्रीज्ड बाय फिफ्टीन परसेंट बिकम्स 19,320 थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी दी ओरिजिनल पॉपुलेशन अब पॉपुलेशन में क्या है इंक्रीज किस पॉपुलेशन में ओरिजिनल पॉपुलेशन में इंक्रीज है और वो इंक्रीमेंट के बाद वो पॉपुलेशन क्या बनी है नाइन्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी इस क्वेश्चन को आपको अपने आप ट्राई करना है सपोज क्या करोगे लेट ओरिजिनल पॉपुलेशन इक्वल टू एक्स और जो परसेंटेज इंक्रीज है वो है फिफ्टीन परसेंट देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस फिफ्टीन परसेंट ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो गिवन है नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ये मीनिंग है इस स्टेटमेंट का इसको आप अपने आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन है नाइन्थ ई एक्सरसाइज़ का